हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को पंचकुला सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ पात्रों को पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस मौके पर श्रम रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पवार, पंचकुला से विधायक ज्ञान चंद गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना को परिवार समृद्धि योजना का नाम इसलिए दिया गया ताकि पूरे परिवार की समृद्धि हो। प्रधानमंत्री जी का जो श्रम जयते एक नारा दिया था, उसमें से देश का जो श्रमिक है, श्रमजीवी, श्रम साधक, उसका भी जीवन खुशहाल बने, तो उस नाते से एक योजना जो बनाई गई है जिसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जितने भी श्रम साधक हैं, इन सब श्रम योगियों को एक योजना दी गई है कि थोड़ी राशि अपने पास से जमा कराएंगे, बाकी राशि केंद्र सरकार जमा कराएगी, और उसमें 60 साल से ऊपर के होने के बाद इनको सबको 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। और हमने इसमें हरियाणा सरकार की ओर से जोड़ते हुए कि जो श्रम साधकों को या श्रम योगियों को जो पैसा जमा कराना है वो जून के महीने से हरियाणा सरकार की ओर से जमा कराया जाएगा, बल्कि उसके अतिरिक्त भी ऐसे सब परिवारों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष के लिए उनको पात्र बनाया गया है कि उसके योजनाएं जो हैं वो सारी, बहुत सी योजनाएं हैं, बीमा की योजनाएं हैं, कुछ SIP की योजनाएं हैं, कुछ नगद राशि भी वो निकाल सकते हैं। वैसे हर परिवार 6,000 रुपया साल का उनको एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाए। कैबिनेट